इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने लोकसभा चुनाव में करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा पार्टी कार्यालय को ईमेल से भेज दिया है, जबकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो पार्टी में ही रहेंगे। मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। प्रजातंत्र के अंदर जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, चुने हुए सदस्यों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि अपनी जिम्मेवारी देश के प्रति वो निभाए। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, पार्टी की तरफ से एक मेरी जिम्मेवारी बनती है कि बहुत बड़ी हार हुई है। पार्टी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमें बहुत सम्मान दिया, उसके लिए हमेशा उनका आभारी रहेंगे। उनके परिवार की तरफ से भी लगातार हमें सम्मान मिला और मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं का, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने 15 साल तक लगातार मुझे सहयोग दिया, पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और क्योंकि मैंने कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है, जनता के फैसले हमारे पक्ष में नहीं आया, इस हार को मैं स्वीकार करता हूँ और नैतिकता के आधार पर मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भेज दिया। उन्हें कहा है कि इसे स्वीकार, पार्टी के अध्यक्ष पद से मेरी जिम्मेवारी बनती है, हार को स्वीकार करूँ, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे बीच में नहीं, जेल में है, और उसके बाद सारी जिम्मेवारी जो है पार्टी के संगठन की वो मेरे ऊपर थी। कहीं ना कहीं मेरे पार्टी में कोई कमी रही, कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिला, पार्टी के शीर्ष नेताओं का बड़ा सहयोग मिला, कहीं ना कहीं जो कमी रही है मैं उसको स्वीकार करता हुआ अपने पद से इस्तीफा। तो पार्टी में दूसरे पद बने रहेंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी पार्टी को तो चलाना किस तरह? पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में जो आदेश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पार्टी का मेरे को दिया जाएगा, उसको निभाने का काम करूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने चौधरी देवलाल से लेकर इस परिवार के साथ, पार्टी के साथ किए, मैं आगे भी करूँगा। क्या कारण मानते हैं? मैं तो मेन रूप से यही कारण मानता हूँ कि देश का चुनाव था और देश के राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ा गया। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को एक राष्ट्र की बात कही, राष्ट्रवाद की बात कही। मुद्दे तो इस चुनाव में कोई थे ही नहीं, सही मायनों में आपने बहुत चुनाव देखे, हमने भी देखे, ये पहला चुनाव था जो बगैर मुद्दे के लड़ा गया। सत्ताधारी पार्टी ने यही नहीं कहा कि हमने क्या किया और क्या करेंगे, केवल राष्ट्र के नाम पर, और राष्ट्र के नाम पर देश हमेशा एकजुट होता है। इसी बार की बात का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।